साल दर साल इस राज्य को अलग अलग प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है और अब इसी कड़ी में नाम आता है गोवा का ज़ुआरी केबल स्टे ब्रिज। नदियों को बांधता एक ऐसा ब्रिज जो यातायात तो आसान बनाता ही है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का अहम केंद्र बनने जा रहा है। ब्रिज की बात करें तो पंजिम मैंगलोर खंड के एनएच 17 या एनएच 66 पर ज़ुआरी नदी पर बना ये ब्रिज देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। ज़ुआरी केबल स्टे ब्रिज समेत इस पूरे प्रोजेक्ट को तीन चरणों में 2530 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये ब्रिज उत्तरी गोवा में स्थित बम्बोलिम को दक्षिण गोवा के वेरना जंक्शन से जोड़ता है। केबल स्टे ब्रिज 640 मीटर लंबा है, जिसमें 360 मीटर का सेंट्रल स्पैन और दोनों तरफ 140 मीटर का एंड स्पैन है। ब्रिज के दोनों तरफ 12 किलोमीटर के अप्रोच रोड का काम पूरा हो चुका है। ब्रिज डेक वर्ल्ड क्लास रोबोटिक वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करके साइट पर बनाया गया है। 8 लेन के इस केबल स्टे ब्रिज ज़ुआरी नदी के 2 लेन ब्रिज पर ट्रैफिक को कम करेगा, साथ ही 270 करोड़ की लागत से टावर में बनी टूरिस्ट ऑब्जर्वेटरी और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से पर्यटकों को भव्य नजारे दिखाए जाएंगे। ब्रिज में 2 टावर बन रहे हैं, जिसमें घूमने वाला रेस्टोरेंट होगा और रेस्टोरेंट तक जाने के लिए वॉकवे आर्ट गैलरी की परिकल्पना भी है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 13.20 किलोमीटर है। इसमें सिरदाव ब्रिज को मिलाकर बम्बोलिम से अगस्सिम तक की कुल लंबाई 7.336 किलोमीटर है। वेरना से अगस्सिम तक की कुल एलिवेटेड लंबाई 5.864 किलोमीटर है। इससे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच का सफर का समय कम हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कटौती आएगी। पूरे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सफर सुरक्षित और आसान हो जाएगा। इस ज़ुआरी ब्रिज को आज नितिन गडकरी जी जनता को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जब बात देश की हो, लोगों की हो और एक ऐसे लीडर की हो जो न सिर्फ सपने देखता है, उन सपनों को धरातल पर उतारना भी हो, तो नितिन गडकरी जी जैसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं।